नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, इस वीडियो में बात न ज्योतिष की है और न वास्तु की। इस वीडियो में थोड़ी बात अपनी करूंगा, अपने देश की करूंगा। कल हमारे शहर कानपुर में स्वच्छता अभियान के तहत जेके सीमेंट स्वच्छ एबिलिटी रन होने जा रही है, बात उसकी करूंगा और बात करूंगा मेजर डीपी सिंह साहब की। मित्रों, मेरे चैनल को आप सभी का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत कम लोगों को मेरा परिचय पता होगा, तो आज सोचा कि इस वीडियो के द्वारा थोड़ा बहुत अपने विषय में बतलाता चलूँ। मित्रों, मेरा नाम आप सभी जानते हैं, पंडित सर्वेश चतुर्वेदी। कानपुर में 15 मार्च 1969 को मेरा जन्म हुआ। पिताजी रेलवे में इलेक्ट्रिक ड्राइवर थे। पहली शताब्दी मेरे स्वर्गीय पिताजी ने ही चलाई थी। कानपुर से ही मैं पला बढ़ा, ट्रिपल एमए बीएड किया, बाद में ज्योतिष विशारद और वास्तु की शिक्षा भी ग्रहण की। मित्रों, मेरी पैतृक भूमि फर्रुखाबाद है, जहां मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाया करता था। अध्यापन ही मेरा कर्म था। ज्योतिष तो 1988 से शौकिया रूप में चलती रही है। मेरे जीवन में नवंबर 2015 को एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब मैं दुर्घटना का शिकार हुआ, और उससे भी बड़ा जबरदस्त मोड़ 27 मई 2016 को तब आया जब एम्स दिल्ली में मेरा बायां पैर मुझसे छीन लिया गया। खैर, ये जीवन है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी इसमें छोटा बड़ा मोड़ आ सकता है। तो मित्रों, नवंबर 2016 को मैं दिल्ली में लगभग एक वर्ष रहने के बाद कानपुर में ही रहने लगा हूँ। अब यही रहकर पूर्ण रूप से ज्योतिष और वास्तु का कार्य करता हूँ। मित्रों, अब बात मेजर डीपी सिंह की, जो मुझे पहली बार एम्स दिल्ली में मिले थे जब मेरे पैर का एम्पुटेशन होना था। मैं थोड़ा निराश था कि एक पैर मुझसे अलग हो जाएगा, मैं क्या करूँगा जीवन में, भविष्य में। लेकिन मेजर साहब ने बहुत थोड़ी देर की बातचीत से मुझ में बहुत आशा जगाई, बहुत हिम्मत दी। पहली बातचीत से ही लगा था कि नहीं, अभी जिंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ करना है, नए सिरे से हिम्मत के साथ जीना है। और बाद में मैं उनके ग्रुप TCO से भी जुड़ गया, द चैलेंजिंग वंस। मेजर डीपी सिंह कारगिल वार वेटरन है, बहुत ही साहसी व्यक्तित्व है उनका। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम है। वह भारत के पहले ब्लेड रनर हैं, अब तक कई मैराथन दौड़ चुके हैं। कारगिल वार में अपना एक पैर गंवा चुके मेजर साहब अब भी अपनी और दूसरों की जिंदगी को हौसलों से दौड़ा रहे हैं। TCO ग्रुप बनाकर वह दिव्यांगों को, जो एम्पुटीज हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। कई तरह के स्पोर्ट्स में उन्हें भाग लेने के लिए भी समय समय पर प्रेरित करते रहते हैं। गजब का साहसिक व्यक्तित्व है मेजर साहब का। कल की जेके सीमेंट स्वच्छ एबिलिटी रन, जो कि गैरिसन ग्राउंड कैंट में होनी है, मेजर डीपी सिंह साहब भी उपस्थित रहेंगे। वैसे मित्रों, मेरा दौड़ने भागने का कोई कार्य नहीं है, ज्योतिष से इसका कोई संबंध भी नहीं है, मैं कभी दौड़ा भी नहीं हूँ पहले। लेकिन मेजर साहब से मिलने का लोभ, उनसे पुनः भेंट करने को कल की दौड़ में मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अपने समाज और अपने देश के हित के लिए कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों से भी यह अनुरोध करूंगा कि जो भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के प्रयासों में लगी हुई है, उसे सफल बनाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए मेजर साहब के प्रयासों को
मेरा पूरा समर्थन है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम जैसे लोगों को आप दिव्यांग कहें, विकलांग या हैंडीकैप्ड या डिसेबल्ड कहें, लेकिन वी आर नॉट डिसेबल, वी आर डिफरेंटली एबल। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।